अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ऐसा है ये रिश्ता अनजाना। आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई अनमोल पर पत्थर फेंकने की? पत्नी है ये मेरी, तुम्हारी पत्नी मृदुला है रजत। मृदुला मेरी पत्नी थी रानी मां। लेकिन उससे मेरा कब का तलाक हो चुका है। अब मुझसे या मेरे परिवार से उसका कोई रिश्ता नहीं। मृदुला के होते हुए इस लड़की को तुम अपनी पत्नी नहीं बना सकते। आप ऐसा इसलिए कह रही हैं क्योंकि आप मृदुला के बारे में नहीं जानती। उसने क्या कुछ नहीं किया इस परिवार के साथ। रानी मां, कितनी बार उसने मुझे धोखा दिया है। हजारों बार उसने मेरी फीलिंग्स के साथ खेला है। अरे एक अच्छी बहू, एक अच्छी बीवी तो क्या, वो एक अच्छी मां तक नहीं बन पाई। वहीं ये लड़की, जब से मेरे जीवन में आई है ना, तब से मेरे और मेरे परिवार के लिए ढाल बनकर खड़ी है। हर मुसीबत का मेरे साथ डटकर सामना किया है, कदम से कदम मिलाकर। के साथ तो धोखा हुआ था रानी मां, लेकिन फिर भी इसने मेरे और मेरे परिवार के साथ अपने रिश्ते निभाए। धोखा नहीं दिया, लेकिन फिर भी इसे आज तक अपना अधिकार नहीं मिला। और जिसे आप इतने गर्व से अपनी बहू कह रही है ना, उसी बहू ने अनमोल को मारने की कोशिश की थी। और उसी की सजा वो जेल में काट रही है। तो क्या करती, किसी और को अपना हक छीनने देती, आरती उतारती इसकी? मृदुला का तो मुझ पर हक था ही नहीं रानी मां, लेकिन इस लड़की का है। और इसे मैं इसका हक देकर रहूंगा। रानी माँ, इस लड़की को ऐसी सजा दीजिए ताकि कभी कोई किसी का हक ना छीन सके। इसने किसी का हक नहीं छीना है, यह मेरी जीवन साथी है। और अगर आपको बातों से विश्वास नहीं हो रहा तो
ये क्या कर दिया तुमने? अपने अनमोल को उसका हक दे दिया रानी मां। अब आइए हम आपको अपने घर वालों से मिलवा देते हैं। ये हैं हमारी दादी, हमारी माता और ये गौरी है जीत की पत्नी। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 9:30 बजे। अग्नि को साक्षी मानकर अब मैं अनमोल के साथ साथ फेरे लूंगा। और आप सबके सामने अनमोल को अपनी पत्नी स्वीकार करूंगा। नहीं रजत, तुम इस लड़की को अपनी जिंदगी में नहीं ला सकते। मैं आपका सम्मान करता हूँ रानी मां, लेकिन उतना ही सम्मान मैं अपनी पत्नी का भी करता हूँ। और उसके सम्मान को अगर चोट पहुंचेगी तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। जल्दी आओ, खड़े क्या हो, रोको। तू रहना वरना इसी अग्नि में स्वाहा कर दूंगा तुम्हें। अनमोल, इस पहले फेरे के साथ मैं तुम्हें पहला वचन देता हूं कि हर सुख दुख, हर परेशानी में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीक। कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं। कहा ना पीछे वरना जान से मार दूंगा मैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं।
इस दूसरे फेरे के साथ मेरा दूसरा वचन होगा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज, मैं हमेशा तुम पर विश्वास करूंगा। कभी भी चाहे कुछ भी हो जाए तुम पर शक नहीं करूंगा और ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे कि तुम्हारा विश्वास टूटे। तमाशा देखने के लिए रखा है तुम लोगों को, कुछ करो, रोको इन्हें। अनमोल, इस तीसरे फेरे के साथ मैं तुम्हें यह तीसरा वचन देता हूं कि हमेशा तुम्हारा सम्मान करूंगा और तुम्हारे सम्मान की हमेशा रक्षा करूंगा। और अगर उसे बचाने के लिए मुझे पूरी दुनिया से भी लड़ना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। विजय, तुम्हारा बेटा हमारी रानी मां की बात नहीं मान रहा है, समझाओ इसे। रजत, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? नहीं पापा, आज मैं नहीं रुकूंगा क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। मैं आप सबका बहुत सम्मान करता हूं पर अब समय आ गया है कि अनमोल को इस घर के सारे अधिकार मिले। उसे अपने ही घर में चुपचाप ना रहना पड़े। आप में से जिस किसी को भी परेशानी थी वो अपनी आंखें खोलकर देख ले। ये है मेरी पत्नी अनमोल रजत चौहान। भाग्य को सौभाग्य बनाया तूने, राज सुनाया जीवन का तो। अब ना ही कोई इस पर उंगली उठाएगा और ना ही कोई सवाल करेगा। और अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे मेरा सामना करना होगा। चलो अनमोल। नहीं रजत जी, हमने आपके लिए एक पूजा रखी है जिसे हम अधूरा नहीं छोड़ सकते। रानी मां, हमने आपके तरह रजत जी के लिए व्रत रखा था जिसके लिए हमने भगवान जी के लिए भोग भी बनाया है। इसलिए विनती कर रहे हैं आपसे, वो भोग चढ़ाकर अपनी इस पूजा को पूरा कीजिए। मैं आपकी नाराजगी समझता हूं रानी मां। अनमोल,
जाने दो उन्हें, उन्हें थोड़ा समय लगेगा, फिर वो हमारी बात सुनेंगे भी और हमारे रिश्ते को समझेंगे भी। अपनी पूजा का समापन करो। माता रानी, रानी माँ ने जो पूजा रखी थी वो अधूरी रह गई, उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। और ये भोग जो हमने बनाया है उसे हमारी और रानी माँ की तरफ से स्वीकार कर लीजिए। हम समझ सकते हैं कि इस समय आप पर का गुजर रही है, पर वो का है ना, वो अनमोल है ना, उसने पता नहीं सबको कौन सा पाठ पढ़ाया है कि इस घर में जिसे देखो उसका भगत बनकर बैठ गया है। वैसे आपको पता नहीं होगा पर वो अनमोल की शादी पहले रमन से होने वाली थी। से वो अनमोल इस घर में आई है ना, सुनहरी ने तो उसे अपने सर पर बिठा के रखा है। वो का है ना, कल्याणी का तो काम ही है कल्याण करना, तो हम तो तुम्हारे साथ ही हैं। तुम जो भी फैसला लोगी ना, हम तुम्हारे साथ डट कर खड़े रहेंगे। छिपकली वाली बचकानी हरकत तुम्हारी ही थी ना, हमें सब पता है तुम कितनी गहराई में जा सकती हो और कितना ऊंचा उड़ सकती हो, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए अपने ये खिरकिटिया रंग हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। चलो चलो, अपना सामान बांधो और जाओ अपने ससुराल। हम बात कर चुके हैं तुम्हारे ससुराल वालों से, अब एक शब्द और नहीं। सॉरी अनमोल, तुम बड़ी धूमधाम से शादी करना चाहती थी, वैसे मैं शादी नहीं कर पाया, लेकिन हाँ मैं तुमसे ये वादा करता हूं कि तुम्हारी आने वाली जिंदगी धूमधाम से भरी होगी। तेरे मेरे मिलन के
अपने सातों वचन के चांद तारे गवाह है, गवाह है, चांद तारे गवाह है, गवाह है, चांद तारे गवाह है। अनमोल, तुम्हारे स्वागत के लिए फिलहाल यही था मेरे पास। अपने सातों वचन के रजत जी, जब तक नहीं हुई नहीं हुई, और देखिए अब जब हमारी शादी सच में हो गई है तो हमें विश्वास ही नहीं हो रहा है कि अब हम बिन सिंदूर सुहागा नहीं रहे। ऐसे कितना अच्छा होता ना अगर रानी माँ हमारी शादी, हमारे रिश्ते सब कुछ स्वीकार कर लेती। अनमोल, परेशान मत हो। देखो, आज भले ही उन्होंने हमें स्वीकार नहीं किया, थोड़ा समय लगेगा उन्हें, लेकिन जब उन्हें तुम्हारी अच्छाइयों के बारे में पता चलेगा ना, तब देखना कैसे जान से भी ज्यादा चाहेंगे तुम्हें वो।